हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ओपी गर्ग है और आज हम बात करने वाले हैं कोमा के बारे में। क्या पेशेंट कोमा में जाने के बाद वापस आ सकता है? कोमा में जाने के बाद पेशेंट्स के जिंदा बचने के चांसेस कितने होते हैं? कोमा में जाने के क्या-क्या रीजन हो सकते हैं और उसका क्या-क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? तो सबसे पहले तो कोमा होता क्या है? नॉर्मली कोमा इज अ डीप स्लीप, यू कैन से इन जनरल टर्म। जैसे कि नॉर्मली हम जब सोते हैं तो हमको अपने आसपास की सराउंडिंग्स का कुछ अता पता नहीं होता। कोई हमारे आसपास में क्या बात कर रहा है, कोई क्या चल रहा है, मीन्स यू आर डिस्कनेक्टेड टू आउटर वर्ल्ड। यही चीज अगर थोड़ी और ज़्यादा डीप हो जाए तो उसको कोमा कहते हैं। नॉर्मली स्लीप के अंदर आपको कोई आवाज़ लगाता है तो आप जाग जाते हैं। या थोड़ी जब आप डीप स्लीप में होते हैं तो कोई आपको टच करता है हाथ से तो फिर आप जागते हैं ना। बट कोमा इज समथिंग डीपर देन दिस कि आपको आवाज़ देने से भी आप ना जागे या आपको हिलाने से भी आप नहीं जाग रहे हैं। पेन देने पे, आपको चिकोटी काटने पे, आपको पेनफुल स्टिमुलाई देने पे आप कभी थोड़ा बहुत हिलते हैं, हाथ पाँव हिलाते हैं, बट आप कमांड फॉलो नहीं करते हैं। आपको बोला जाता है हाथ उठाओ तो नहीं उठाते। मतलब ये मैं आपको जनरल एक टर्म के अंदर ये बता रहा हूँ। हालांकि कोमा की एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है, एक ग्रेडिंग होती है जिसको ग्लासगो कोमा स्केल बोलते हैं। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, नॉर्मली जो ग्लासगो कोमा स्केल मैक्सिमम जो होता है 15 होता है और मिनिमम होता है 3। तो 15, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, या कोई भी चलता फिरता नॉर्मल आदमी जो बात कर सकता है, खाना खा सकता है, जवाब दे सकता है, ही विल बी कंसिडर्ड एज 15। कोई भी मरा हुआ आदमी का अगर हम ग्रेडिंग करें तो देट विल बी 3, यानी 3 इज़ द मिनिमम कोमा स्केल जो कि एक मरे हुए आदमी का होता है। तो जो जिंदा आदमी होता है, जो थोड़ा सोता हुआ होता है, थोड़ा सा यू सी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो इट ही विल बी इन बिटवीन 3 to 15। तो इसके अंदर भी अगर लेस देन 7 है किसी का ग्लासगो कोमा स्केल तो देन यू सी ही इज़ अ वेरी इन सीवियर कैटेगरी। देन 7 to 10 और 7 to 12 इन सम बुक्स इट विल बी मॉडरेट, एंड देन 12 to 15 विल बी माइल्ड ग्लासगो कोमा स्केल। तो ये इनकी डिग्री होती है। नॉर्मली जैसा मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से मूवीज़ में जैसा दिखाया जाता है, जैसा कि मुन्ना भाई MBBS में भी दिखाया कि काफ़ी सालों से एक पेशेंट कोमा में है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी पेशेंट अगर कोमा में होगा तो ही विल नॉट बी दैट गुड एज इट वॉज शोन इन द मूवी। उसके नाक के अंदर कोई नली होगी जिससे उसको खाना खिलाया जा रहा होगा, उसके हाथ में IV चैनल होगा, इजंट इट? उसके हो सकता है ट्रेकियोस्टोमी की हुई हो, उसके गले में भी ट्यूबिंग हो, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, उसके पेशाब की नली होगी, है ना। तो क्योंकि जो सोता हुआ आदमी या कोमा में जो आदमी हो तो ये सारे मीन्स पेशाब करना, पोटी करना, खाना खाना, ये तो अपने आप नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमको आर्टिफिशियल चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ती है ना। सबसे पहले कोमा होता क्यों है, मतलब क्या क्या उसके रीजन हो सकते हैं? तो 80% ऑफ चांस कोई भी पेशेंट कोमा में जाता है या बहुत सीवियरली ड्राउजी होता है या यू सी नॉट रिस्पॉन्डिंग टू कमांड और पेनफुल स्टिमुलस, तो 80% चांस में ब्रेन का उसका रीजन होता है। ब्रेन के अंदर उसको ब्रेन हेमरेज हुआ है या स्ट्रोक हुआ है, इन्फार्क्शन हुआ है, AV मालफॉर्मेशन है ना, या उसको सीजर हुआ है, कंटिन्यूस सीजर यानी कि दौरे पड़ गए हैं। तो ये सभी मोस्ट ऑफ द टाइम जो आदमी कंटिन्यूस कोमा में रहता है उसमें कुछ ना कुछ ब्रेन पैथोलॉजी होती है। 20% टाइम इट कुड बी बिकॉज ऑफ नॉन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑल्सो, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ हार्ट। सपोज किसी का हार्ट का रिदम सडनली गड़बड़ हो गया, ETVF हो गया, तो पेशेंट का दिमाग के अंदर ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, तो दिमाग में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा तो ऑब्वियसली दिमाग रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा एंड पेशेंट विल बी इन कोमा, यानी कि पेशेंट सडनली बेहोश होकर गिर जाएगा। कुछ कुछ पेशेंट्स के अंदर यू सी सीवियर सेप्सिस कुड ऑल्सो कॉज कोमा, या पेशेंट को बेहोशी हो सकती है। क्योंकि जब सीवियर सेप्सिस होता है तो पेशेंट्स का BP काफ़ी कम हो जाता है, BP काफ़ी कम हो जाता है तो अगेन दिमाग के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और अगेन पेशेंट विल गो इन टू कोमा। कुछ कुछ पेशेंट्स के अंदर जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं, क्रॉनिक लीवर डिजीज़ के पेशेंट हैं, तो उसके अंदर किडनी डिजीज़ में यूरिया काफ़ी आपका ज़्यादा बढ़ जाता है, या लीवर डिजीज़ में अमोनिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं या ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं है, तो दिस कुड ऑल्सो लीड टू कोमा।
कुछ पेशेंट्स के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, हाइपोनेट्रीमिया, सीवियर हाइपोनेट्रीमिया इन इट सेल्फ कैन कॉज कोमा और सीजर और दौरा पड़ना, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कोमा में कोई पेशेंट जाता है तो एज ए यू सी लेमैन, एज ए नॉन मेडिको, वट यू कैन डू। सो उसके लिए भी अगेन इट डिपेंड्स कि ऐसा क्यों हुआ है, क्यों पेशेंट कोमा में गया है। एक नॉर्मल चलता फिरता आदमी अगर सडनली गिर जा रहा है और फिर वो बेहोश हो गया, तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ बिकॉज ऑफ हार्ट, इट इज़ बिकॉज ऑफ यू सी कुछ कार्डिक प्रॉब्लम की वजह से। तो आपको तुरंत हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। ज़्यादा अगर पेशेंट की पल्स भी नहीं चल रही तो हो सकता है आपको CPR स्टार्ट करना पड़े वहीं पर। तो ये चीज़, कोई पेशेंट रात में सो रहा है और सुबह हाथ पाँव नहीं हिला पा रहा है, सपोज उसका राइट साइड का पैरालिसिस हो गया या लेफ्ट साइड का पैरालिसिस हो गया, एंड देन ही बिकम ड्राउजी, देन इट इज़ बिकॉज ऑफ ब्रेन मोस्ट प्रोबेबली। तो उसके अंदर आपको तुरंत उनका CT स्कैन कराना चाहिए, एंड देन फर्दर जैसा भी आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं उस हिसाब से आपको फॉलो करना चाहिए। थर्ड थिंग, कोई पेशेंट काफ़ी दिनों से बीमार है मीन्स कि फीवर आ रहा है उसको, पसीने आ रहे हैं उसको काफ़ी ज़्यादा, तो इन दिस पर्टिकुलर केस अगर कोई पेशेंट कोमा में जाता है तो इसके अंदर सेप्सिस उसका मोस्ट प्रोबेबल रीजन होगा। ऐसे ही कोई पेशेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है, डायलिसिस चल रहा है, तो इसके अंदर उसका यूरिया बढ़ गया है या उसका पोटेशियम बढ़ गया है, मतलब दैट यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल हिस्ट्री। तो वो तो आप लोग नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट का काम जो आपका है कि कोमा जब पेशेंट कोई भी बेहोश होता है तो हम देखते हैं रास्ते के अंदर काफ़ी लोग उनको पानी पिलाने की कोशिश करने लगते हैं कि पानी दीजिए ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जैसा मैंने बताया था कि जब भी पेशेंट नींद में होता है या बेहोशी की हालत में होता है तो वो पानी नहीं पी सकता, वो ज़्यादातर अपना खुद का थूक भी सॉलो नहीं कर सकता। तो ऐसी कंडीशन में आप उसके मुंह में कुछ भी अगर डालते हैं तो इट मे गो इन टू लंग्स एंड पेशेंट में ड्राउन इन हिज ओन सीक्रेशन, और या जो आपने जो पानी दिया है उसी से वो पेशेंट की डेथ हो सकती है अगर वो लंग्स में चला जाए। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि पेशेंट को करवट दिला के रखें और हेड डाउन करके रखें। हेड डाउन करने से क्या होगा कि पेशेंट के मुंह में जो भी सीक्रेशंस हैं वो पेशेंट के बाहर की तरफ निकलेंगे, मतलब मुंह से बाहर निकलेगा, उसके लंग्स में जाने के चांस कम हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर पेशेंट का BP कम है तो थोड़ा सा हेड डाउन करने से थोड़ा सा ब्रेन का परफ्यूजन या ब्रेन के अंदर थोड़ा सा ब्लड सप्लाई भी बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि आपको इस कंडीशन में उसको ज़्यादा देर नहीं रखना है, आपको कोशिश करना है जल्दी से जल्दी उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाएं। बट दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू, बट नॉट एट ऑल वाटर और समथिंग, नथिंग टू बी गिवन बाय माउथ। अच्छा, नाउ सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ पूछी जाती है मुझसे या किसी भी डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब कितने दिनों में कोमा से बाहर आ जाएंगे या इनके क्या चांसेज हैं, तो अगेन जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। वी आवर सेल्फ डोंट नो कि कब पेशेंट ये कोमा से बाहर आएगा। ये हम लोग केवल जो आज की कंडीशन है या जो कल कंडीशन थी इनकी, वो हम आप लोगों को बता सकते हैं। और हम ये बता सकते हैं कि हम इनको कोमा से बाहर लाने के लिए ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये इनके इन्वेस्टिगेशन कराए हमने, ये ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराए, एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट हम ये मेडिसिन दे रहे हैं, एंड देन वी कैन वेट, जस्ट वेट एंड वॉच कि उसका मेडिसिन का इफेक्ट है। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब तक उनकी प्राइमरी कंडीशन जिस वजह से वो कोमा में गए हैं वो नहीं ठीक होती, तब तक उनका कोमा से बाहर आना मुश्किल है। जो कार्डियक जो पेशेंट होते हैं, अगर उनका सही टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाए, दे कैन कम आउट इन कोमा विद इन मिनट्स और आवर्स, बहुत जल्दी वो कोमा से बाहर आ सकते हैं। न्यूरोलॉजी वाले जो पेशेंट हैं जिनको ब्रेन हेमरेज हुआ है या स्ट्रोक हुआ है या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से उनके सपोज ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड जमा हो गया, ब्रेन में बहुत ज़्यादा चोट लगी, इन पेशेंट्स को कोमा से बाहर आने में कई बार महीनों भी लग जाते हैं। इट क्योंकि यू सी ब्रेन आपका एक जो होता है एक बिल्कुल स्टिफ स्कल के अंदर होता है, ब्रेन के पास कहीं पे भी फैलने की जगह नहीं होती। तो वो जब तक पूरा ब्लड एब्जॉर्ब नहीं होता या जब तक सर्जरी करके ब्लड निकाला नहीं जाता तब तक वो पेशेंट कोमा में ही रहेगा। इवन सर्जरी करने के बावजूद भी वो तुरंत कोमा से बाहर आ जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ब्रेन में स्वेलिंग होती है, जो इसी जो बचा हुआ जो ब्लड है उसको एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है, और तब तक हमको पेशेंट को जिंदा रखना होता है।
जब तक पेशेंट पूरा होश में नहीं आ जाता है तब तक हमको पेशेंट को जिंदा रखना होता है। और अगेन जिंदा रखने के लिए, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वेंटिलेटर पे रखना पड़ सकता है पेशेंट को, पेशेंट को ट्रेकियोस्टोमी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, उनको नाक के अंदर एक नली डाली जाती है जो कि उनके अब्डोमन पेट में जाती है, स्टमक में जाती है, उससे उनको खाना खिलाया जाता है, खाना दिया जाता है, पेशाब उनका कंटिन्यू होता रहे इसलिए पेशाब की नली लगाई जाती है, पोटी उनको होता रहे उसके लिए कुछ कुछ जगहों पे तो आजकल ये भी आने, मतलब इसके लिए एक बड़ी ट्यूबिंग भी आने लग गई है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग डायपर लगा के, मतलब उनको पेशाब, पोटी पेशाब भी हमको कराना होता है पेशेंट को उसी ड्यूरेशन में, जब तक वो 15-20 दिन 1-2 महीने बेड पे है, पेशेंट को बेड सोर ना हो जाए, मतलब उनको लेटे लेटे ही उनके घाव हो सकते हैं बॉडी के अंदर, तो वो ना हो जाए उसके लिए हमको हर 2 घंटे में पेशेंट की पोजीशन इधर से उधर, उधर से इधर करनी होती है। देन पेशेंट क्योंकि चल फिर नहीं पा रहा इसलिए उसके पाँव के अंदर ब्लड जमा हो सकता है, उसके ब्लड का थक्का, यूसी ब्लड मूवमेंट नहीं होने से ब्लड का थक्का जम जाता है, जिसको कि एम्बोलिज्म बोलते हैं, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। अगेन हमको उसको बचाना है तो उसके लिए हम उनको न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस या स्टॉकिंग्स वगैरह देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो स्ट्रोक या जो कोमा जब तक ठीक नहीं होता तब तक आपको पेशेंट को जिंदा रखना है, और कोशिश करना है कि जो पेशेंट बेड के ऊपर जो लेटा हुआ है उसकी वजह से जो जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो कॉम्प्लिकेशन ना होने दें या कम से कम होने दें, बिल्कुल ना होने दें, ये तो कई बार पॉसिबल नहीं होता, फिर भी मतलब नर्सिंग स्टाफ की पूरी यूसी अवेयरनेस के बावजूद भी कुछ कुछ पेशेंट्स में प्रॉब्लम होती है, बट हमारी कोशिश ये होती है कि पहली चीज़ तो प्रॉब्लम हो ही ना, या अगर हो तो मिनिमम हो, उसको हम जल्दी से जल्दी ट्रीट करें, एंड देन वी जस्ट कैन वेट एंड वॉच कि हम जो मेडिसिन दे रहे हैं, जो ऑपरेशन कर रहे हैं उनका अच्छा इफेक्ट आए और पेशेंट वापस कोमा से बाहर आ सके। बाकी जो रीजन है कोमा में जाने के, जैसा मैंने बताया किडनी पेशेंट है तो सपोज हो सकता है वो काफ़ी दिनों से उसका डायलिसिस नहीं हुआ इसलिए हो गया, तो डायलिसिस करने के बाद पेशेंट के चांसेस रहते हैं कोमा से बाहर आने के। लीवर, अगर पेशेंट एंड स्टेज लीवर डिजीज के अंदर है, उसका कई बार लीवर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ती है, उसके अंदर पेशेंट आ सकता है नहीं आ सकता, दैट डिपेंड कि वो पेशेंट का लीवर ट्रांसप्लांटेशन कितना सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ। ऐसे ही सेप्सिस वाला पेशेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेप्सिस में, तो अगर पेशेंट का सेप्सिस ट्रीट होगा तो पेशेंट का अगेन ब्रेन विल स्टार्ट वर्किंग। तो ये सारी चीज़ें थी कोमा के बारे में, और मैं जो मेरा एक पर्पस जो है ये वीडियो बनाने का है कि ये भी है कि जिस तरीके से मूवीज़ के अंदर जिस तरीके से इतना सिंपलीफाई करके जैसा दिखाया जाता है कि पेशेंट कोमा में है और यूसी कि जस्ट आप उससे प्यार से बात करें और ठीक हो जाए, या यूसी कि मतलब और कुछ करने की जरूरत, ऐसा नहीं होता, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है ये। हाँ डेफिनेटली हमको पेशेंट से प्यार से ही बात करनी चाहिए, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, बट देन वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल अदर थिंग्स। जिस तरीके से इतना सिंपलीफाई करके दिखाया जाता है कि जस्ट पेशेंट लेटा हुआ है, अरे भाई वो खाना तो खाएगा, उसको पोटी पेशाब भी कराना पड़ेगा, है ना, उसके बेड सोर भी हमको प्रिवेंट करना है, उसको DVT प्रोफाइलेक्सिस भी देना है, मेडिसिंस भी देनी है, तो इट इज़ नॉट एज सिंपल एज शोन इन मूवी। तो आपको इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए और डॉक्टर्स की एडवाइस फॉलो करनी चाहिए। अगेन कितने परसेंट चांसेस किसके रहते हैं कोमा से बाहर आने के, तो मैंने जैसा कि आपको बताया डिपेंड ऑन द पैथोलॉजी, बट न्यूरोलॉजिकल केसेस में मैं सच बताऊं तो कई बार होता है कि पेशेंट कोमा से बाहर तो आता है बट फुल फंक्शनल रिकवरी नहीं होती उनकी, जैसा कि उनके एक हाथ में पैरालिसिस ही रह गया या एक हाथ पांव में पैरालिसिस ही रह गया, हो सकता है पेशेंट थोड़ा बहुत बात भी कर सके लेकिन पूरा नहीं समझ सके या इतना अच्छे से बोल ना सके, तो देन क्वालिटी ऑफ लाइफ मे नॉट बी दैट गुड एज इट वॉज बिफोर जो ट्रैफिक एक्सीडेंट या कोमा में जाने से पहले उनकी जैसी जो डिग्निफाइड एक जो लाइफ थी, कई बार वो पूरा 100% क्योर करना पॉसिबल नहीं होता, तो हमको मेंटली भी इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहना होता है, उस हिसाब से हमको घर पे नर्सिंग केयर की और हमको खुद को भी कुछ कुछ मिनिमम एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जो कि कई बार फैमिली मेम्बर सीखते हैं और घर पे ही केयर करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोमा, अगर आप इसी से रिलेटेड कुछ मुझसे जानना चाहते हैं तो आप मुझसे इसी चैनल पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।